राजा रघुगण को महात्मा जड़ भरत का उपदेश। जड़ भरत जी ने कहा, राजन तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनके अतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे गए हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मलत्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है,
मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदिकारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत हैं। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोधादि छह शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। राजा रहुगण ने कहा, भगवन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण किया है। योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो कराऊंगा ही, पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। महात्मा जड़भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाणादि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नामक एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार
पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने अपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इस प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा, छोटा बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्मादि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती, और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था, तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनियों में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूं। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़क के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है।